हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर इनकम टैक्स क्लास। और आज की क्लास में एक बहुत ही ट्रिकी टॉपिक को बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगा, और वो है HUF का कॉन्सेप्ट, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो HUF क्या होता है, मेंबर्स ऑफ HUF क्या है, को पार्सनर किसे कहते हैं, कर्ता कौन होता है HUF का, राइट, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट हैं फॉर दिस HUF लॉ, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो ये सब कुछ HUF से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आज हम क्लियर करेंगे आपके। चलिए शुरू करते हैं HUF से। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैज नॉट बीन डिफाइंड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। बड़ी सुंदर बात, सबसे पहली बात आपको सुनने को मिली कि HUF क्या है, ये इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइंड ही नहीं है। तो फिर कहाँ डिफाइंड है, HUF की डेफिनेशन हमें कहाँ से उठानी है? तो HUF की डेफिनेशन दी गई है हिंदू लॉ में। The expression is, however, defined under the Hindu law. क्या definition दी गई है? As a family which consists of all males lineally descended from a common ancestor and include their wives and daughters. Basically ये जो word आप देख रहे हैं ना, and daughters, ये Hindu law में amendment आया था 2005 में, जिसके बाद से daughter को भी Hindu undivided family का हिस्सा माने जाने लगा, मतलब कि बेटियां भी परिवार का हिस्सा मानी जाती हैं। इसके पहले 2005 के पहले तक बेटियों को HUF का हिस्सा नहीं माना जाता था। अभी तो आप HUF भी नहीं समझ रहे, मैं अभी डिटेल में आपको सब समझाऊंगा। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, जैन अनडिवाइडेड फैमिलीज एंड सिख अनडिवाइडेड फैमिलीज वुड ऑल्सो बी एसेस्ड एज HUF। अगर जैन अनडिवाइडेड फैमिली है, मतलब जैन की फैमिली है अनडिवाइडेड फैमिली, या फिर सिख की अनडिवाइडेड फैमिली है, उनके ऊपर भी इनकम टैक्स का कानून जो HUF का है, मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, वही एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो मतलब आपका जैन अनडिवाइडेड फैमिली है तो आप ये नहीं कहेंगे कि भाई इनकम टैक्स में हमारे बारे में कुछ नहीं कहा गया, कहा गया है जो HUF है वो आपके ऊपर भी एप्लीकेबल है, राइट। नाउ व्हाट इज HUF, ये HUF है क्या, आपको बहुत आसान तरीके से समझाते हैं। व्हाट इज HUF, देखिए मिस्टर एक्स एंड मिसेज एक्स हैं, ठीक है, इन्होंने अपनी लाइफ टाइम में ढेरों सारा इनकम जनरेट की, ठीक है, मिस्टर एक्स एंड मिसेज एक्स ने अपनी लाइफ टाइम में ढेरों सारी इनकम जनरेट की, बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी क्रिएट की। इनके पास एक फ्लैट है, एक बिजनेस था, वो शॉप है बिजनेस वाली, राइट, और भी बहुत कुछ है, ठीक है। अब इनके बच्चे कौन कौन हैं, इनके बच्चे हैं ए बी और सी, मान लेते हैं ए एक सन है, बी एक सन है और सी एक डॉटर है, इनके ये तीन बच्चे हैं। अब सिंस इनके पास प्रॉपर्टी ऐसी है कि ये डिवाइड नहीं करना चाहते हैं, या फिर ये चाहते ही नहीं कि डिवीजन हो, परिवार में बंटवारा हो, और ये चाहते हैं कि जो भी प्रॉपर्टी है वो कॉमन प्रॉपर्टीज रहे इन तीनों की, ए बी सी की। देखिए एक तरीका तो ये था कि ये प्रॉपर्टी को बांट लेते, जो भी मिस्टर एक्स और मिसेज एक्स की प्रॉपर्टी थी, इनकी डेथ हो गई एक्स और मिसेज एक्स की, तो एक तरीका तो ये था कि ए बी सी इनकी प्रॉपर्टीज को बांट ले। दूसरा तरीका ये है कि ये इन प्रॉपर्टीज को ना बांटें और आज भी कंबाइंड तरीके से इसको यूज करें, मतलब जो बिजनेस है वो आज भी इन तीनों का रहे और जो फ्लैट है उस फ्लैट में ये तीनों रहें, मतलब दे विश टू जॉइंटली यूज दिस प्रॉपर्टीज एंड दे डू नॉट वांट एनी डिवीजन। हियर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो ये क्या कर सकते हैं, एक HUF क्रिएट कर लेंगे जिसके ये तीनों मेंबर हो जाएंगे और ये जो प्रॉपर्टीज थी वो इस HUF की हो जाएगी। Now comes a question, क्या सर HUF का कोई रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है? तो आंसर इज अ बिग नो। जिस तरीके से हम कंपनी को रजिस्टर कराते हैं, एक LLP को रजिस्टर कराते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर कराते हैं, उस तरीके से HUF को रजिस्टर कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हिंदू लॉ ये कहता है कि अगर एक परिवार का बंटवारा नहीं हुआ है तो परिवार अपने आप क्रिएटेड है, परिवार को क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, परिवार तो अपने आप ही क्रिएटेड है, राइट। तो आपको इसे कहीं रजिस्टर कराना नहीं होता, लेकिन ये सारा कुछ ज्वाइंटली चल रहा है, ये बात किसी डीड पे लिखा हुआ होना आवश्यक है ताकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना आए। तो
तो आपको एक स्टैम्प पेपर पे एक डीड बना लेनी चाहिए कि ये एक हम HUF क्रिएट कर रहे हैं जिसमें ये सारे मेंबर्स हैं और ये इसके अंतर्गत प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो फिर अब इस डीड के बेसिस पे आपको एक पैन कार्ड मिल जाता है, आप पैन बनवा लेते हैं और एक बैंक अकाउंट ओपन करवा लेते हैं इसी डीड के बेसिस पे, पैन के बेसिस पे एक बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा और इसका जितना भी इनकम आएगा वो उसी बैंक अकाउंट में आएगा, वो ए बी ओ सी के अकाउंट में नहीं आएगा। हालांकि ये तीनों उसके मेंबर्स हैं तो उससे पैसा अपने अपने लिए निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, मेंबर्स उस प्रॉफिट को शेयर कर सकते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ रही है कि HUF कैसे क्रिएट होता है। अगर हम परिवार को ज्वाइंटली कैरी करना चाहते हैं, परिवार में हम डिवीजन नहीं चाहते हैं, तो दिस इज द वे टू क्रिएट एन HUF। हालांकि इसके क्रिएशन के लिए कोई लीगल बॉडी नहीं है जहां पे आपको रजिस्टर कराना पड़ता है, क्योंकि हिंदू लॉ कहता है कि परिवार तो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है, परिवार को क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। लेकिन एक डीड होना आवश्यक है ताकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो। अच्छा, कोई और तरीका सर HUF को क्रिएट करने का? हाँ, एक HUF को दूसरा तरीका है HUF क्रिएट करने का, गिफ्ट। ये क्या था? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से पैसा आया, माता पिता से या दादा दादी का, उसके भी पहले का प्रॉपर्टी है, वो बंटवारा नहीं हुआ है, तो दैट क्रिएट्स एन HUF। दूसरा तरीका है गिफ्ट से। मान लीजिए मेरे पास एक ढेरों सारी प्रॉपर्टी है, मेरे नाम से है पर्सनल, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं कुछ प्रॉपर्टी अपने नाम से रखूं और कुछ प्रॉपर्टी मैं परिवार की बना दूं, वो परिवार की प्रॉपर्टी कहलाएगी, मैं उस पर अपना नाम नहीं चाहता। तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं मिस्टर एक्स हूं, ठीक है, मेरे पास प्रॉपर्टी ए बी सी इतना कुछ है। मैंने क्या किया, प्रॉपर्टी ए और बी को HUF की प्रॉपर्टी क्रिएट कर दी। तो HUF क्रिएट करने का एक दूसरा तरीका है कि कोई भी मेंबर, परिवार का कोई भी मेंबर अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को HUF की प्रॉपर्टी बना सकता है, राइट। और अब इससे जो भी इनकम आएगी वो पूरे परिवार की इनकम कहलाएगी, ये परिवार की इनकम है। और इस HUF के मेंबर कौन है? मिस्टर एक्स है, मिसेज एक्स है, इनके 3-4 बच्चे हैं, वो सब इस HUF के मेंबर हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया गिफ्ट बाय मेंबर से भी हम HUF को क्रिएट कर सकते हैं। एक तीसरा तरीका होता है गिफ्ट फ्रॉम नॉन मेंबर। ये क्या तरीका होता है, ठीक है, मेरे ससुर जी ने क्या किया पता है? कहा कि मैं 1,00,000 रुपए गिफ्ट करना चाहता हूं, ठीक है, 1,00,000 रुपए देंगे तो हम लेंगे भी नहीं भाई, ये कोई गिफ्ट हुआ? मेरे ससुर जी ने बोला कि मैं 1,00,000,000 रुपए आपको गिफ्ट करना चाहता हूं, ठीक है, लेकिन वो गिफ्ट आपका नहीं होगा दामाद जी, मैं आपके परिवार को देना चाहता हूं, मतलब आप रहेंगे उसमें, आपकी उनकी बेटी यानी मेरी बीबी और मेरे बच्चे, ठीक है, हम ये आपके परिवार को गिफ्ट करना चाहते हैं, आपका पूरा परिवार ज्वाइंटली इसको यूज करेगा। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है ससुर जी, आप तुरंत दीजिए, मैं एक HUF क्रिएट कर देता हूं, ठीक है, बस डीड के फॉर्म में क्रिएट कर देगा, क्योंकि हिंदू लॉ तो कहता है परिवार क्रिएट करने की जरूरत थोड़ी ना है, राज अग्रवाल तुम, तुम्हारी बीबी, तुम्हारे बच्चे, ये तो परिवार है ही यार, इसको क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन लीगल पर्पस के लिए हम क्या करेंगे, एक डीड बनाएंगे जिसमें बताएंगे कि मैं, मेरी बीबी, मेरे बच्चे, एक HUF क्रिएट किया है हमने, उसका नाम भी होगा राज अग्रवाल HUF, और उसमें मेरे ससुर जी क्या करेंगे, 1,00,000,000 रुपए की प्रॉपर्टी डाल देंगे वो मेरे HUF के नाम से। अब ये ज्वाइंट प्रॉपर्टीज है, अब उससे जो भी इनकम आ रही है वो HUF की इनकम है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि व्हाट इज दिस HUF। अब इस HUF में एक बहुत इंपॉर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट है समझने वाला, कर्ता किसे कहते हैं? आप HUF जब भी सुनेंगे तो एक वर्ड आता है कर्ता। तो जो एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली होता है बाय एज, ठीक है, उम्र में जो सबसे अधिक उम्र का उस परिवार में मेंबर होता है उसको कहा जाता है कर्ता ऑफ द फैमिली, ठीक है। आप कर्ता को आप ये कर्ता इज अ वर्ड इन हिंदी बट इन इंग्लिश ऑल्सो वी कॉल देम इज कर्ता, ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं हेड ऑफ द फैमिली, राइट, बट इंग्लिश में भी वो वर्ड कर्ता यूज होता है, इनकम टैक्स में भी आप उसे कर्ता ही बोलते हैं। तो कर्ता इज हेड ऑफ द फैमिली, और ये हेड ऑफ द फैमिली कौन होता है? सीनियर बाई एज, मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, क्लियर है बात। जैसे मान लीजिए हस्बैंड नहीं है, वाइफ है, उनके बच्चे हैं, तो सबसे सीनियर एज की कौन है? वो वाइफ है उनकी, जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो वो क्या कहलाएंगी? कर्ता ऑफ द फैमिली। नाउ कम्स टू अनदर कॉन्सेप्ट
कि व्हाट इज मेंबर ऑफ एचयूएफ एंड व्हाट इज कोपार्सनर। आप यहां पे देखेंगे तो एक वर्ड लिखा हुआ है कोपार्सनर, ठीक है, और यहां पे मेंबर की बात की गई थी। अ फैमिली विच कंसिस्ट ऑफ ऑल मेल्स लीनियरली डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर इंक्लूड देयर वाइव्स एंड डॉटर्स। आइए मैं समझाता हूं इसको। एचयूएफ, मिस्टर एक्स एंड मिसेस एक्स, इनके इनको ए एक सन है, और बी एक डॉटर है, ठीक है। अब ए की शादी हो जाती है तो ए की आ जाती है वाइफ, ठीक है। अच्छा, अभी पहले अभी शादी नहीं कराते हैं। मान लीजिए मिस्टर एक्स मिसेस एक्स ने मिलके ए बी के साथ एक परिवार बनाया। एक तो ये था कि भाई ए और बी, ए एक्स और मिसेस एक्स की डेथ हो जाए और प्रॉपर्टी का बंटवारा ना हो, तो ए और बी क्या बन जाएंगे, एक एचयूएफ बन जाएंगे। बट अभी हम डेथ की बात नहीं करते हैं। एक्स और मिसेस एक्स ने अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ प्रॉपर्टी को निकाला, गिफ्ट के तरीके से एक एचयूएफ क्रिएट कर ली, जिसमें एक्स मिसेस एक्स ए और बी ये सब कुछ है, ठीक है। तो अभी इस एचयूएफ के चार मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं? चार मेंबर। अब ए की शादी हो जाती है, अब ए की बेटे की शादी हो जाती है, तो कौन आएगी? बेटे की वाइफ आएगी, हम इसको लिखेंगे डब्लू। और बेटी बी की शादी हो जाती है तो उनके कौन आएंगे? हस्बैंड एच, लिख देते हैं हस्बैंड को। अब इस परिवार के कितने मेंबर हैं, एचयूएफ के कितने मेंबर्स हैं? तो एचयूएफ के मेंबर हो गए मिस्टर एक्स मिसेस एक्स दो, ए बेटा, और बेटे की बीबी यानी बहू उनकी, ये भी मेंबर हो गए, बी और एच ये भी मेंबर हो गए, ये सारे लोग मेंबर हो गए एचयूएफ के। तो चलिए इस फैमिली में कितने लोग कोपार्सनर हैं मैं आइडेंटिफाई करके बताऊं। कोपार्सनर कौन होते हैं? कोपार्सनर वो हैं जो बंटवारा डिमांड कर सकते हैं, और या फिर बंटवारा होता है तो उनको हिस्सा मिलता है, मतलब बंटवारा डिमांड करने का भी अधिकार है और बंटवारे में हिस्सा पाने का भी अधिकार है, ठीक है। तो कौन कौन है बंटवारे में हिस्सेदार? मिस्टर एक्स कोपार्सनर है, बेटा कोपार्सनर है, और बेटी कोपार्सनर है, ये कोपार्सनर है। तो कोपार्सनर कौन कौन है, मैं क्या करता हूं, येलो से हाईलाइट कर रहा हूं ना, तो मैं यहां पे लिखते जा रहा हूं कोपार्सनर। अच्छा, अब इसी चार्ट में मेंबर ऑफ एचयूएफ बताइए कितने हैं, मेंबर ऑफ एचयूएफ, और फिर कोपार्सनर हम बताएंगे कितने हैं। मेंबर कितने हैं, कोपार्सनर कितने हैं, मेंबर कितने हैं, चलिए देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः, ये सारे के सारे मेंबर हैं, यानी हस्बैंड वाइफ, बेटा बहू, बेटी दामाद, ये सारे के सारे मेंबर हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स की अगर हम बात करें तो छः हैं। कोपार्सनर जो बंटवारा डिमांड कर सकते हैं, बंटवारे में हिस्सा पाएंगे, वो कौन है? वो हमेशा खून वाले रिश्ते हैं, जो बेटियाँ दूसरे घर से आती हैं, यानी जो बहुएँ बनती हैं, ठीक है, इस घर में आके, वो कभी भी कोपार्सनर नहीं होंगी। और बेटी शादी करके दूसरे घर में जा रही है तो वहां पे जो उनका हस्बैंड है वो कोपार्सनर इस परिवार का नहीं है, राइट। तो मिस्टर एक्स सन और डॉटर सिर्फ तीन कोपार्सनर हैं। यहां मैं आगे बढ़ाता हूं परिवार को। देखिए, एक को सन होता है, एक डॉटर होती है, सन डॉटर। वैसे ही ये जो डॉटर है, बी डॉटर जो थी, उसको भी एक सन और डॉटर होता है। अब हम एस मतलब सन, डी मतलब डॉटर, ठीक है। एक सन हुआ, एक डॉटर हुआ। अब इनकी भी शादी करा देते हैं। सन इसकी आ गई वाइफ, डॉटर इसका आ गया हस्बैंड, सन इसकी आ गई वाइफ और डॉटर इसका आ गया हस्बैंड, ठीक है।
अब देखते हैं कि नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ एचयूएफ कितने हैं, परिवार के सदस्य कितने हैं। तो चलिए देखिए परिवार के सदस्य कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, दे आर टोटल 14 मेंबर्स ऑफ एचयूएफ, मेंबर्स 14 हो गए। अब इसमें को पार्सनर कौन कौन है, को पार्सनर वो होते हैं जो बंटवारा डिमांड कर सकते हैं ये, और बंटवारे में हिस्सा पा सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं बंटवारे में हिस्सा कौन कौन मांगेगा और पा सकते हैं। तो ये सन, ये डॉटर, ठीक है। अब बेटी का बेटा बेटी नहीं, ठीक है, और बहुएं तो वैसे भी नहीं होती, और जो बेटियों के पति होते हैं वो भी नहीं होते। तो अब बस जो बेटे का बेटा और बेटी है बस यही कोपासना बनेंगे, बाकी कोई भी कोपासना नहीं बनेगा। आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है कि सर बेटियों के भाई कोपासना क्यों नहीं बन रहे हैं, ये बेटी है इसके बच्चे कोपासना क्यों बन रहे हैं, बेटे के बेटे कोपासना रहे लेकिन बेटी का फिर बेटा बेटी क्यों नहीं कोपासना है। तो समझने की कोशिश कीजिए, ये जो बेटी है इनका जो हस्बैंड होगा क्या इसका एचयूएफ होगा, हाँ। क्या उस परिवार में ये बेटा और ये बेटी कोपासनर होंगे, हाँ। तो शायद हिंदू लॉ इस कदर बनाया गया है कि एक बंदा एक परिवार में ही कोपासनर है, ठीक है, हर परिवार में कोपासनर नहीं है। ये बेटियां यहां क्यों कोपासनर बन रही हैं पता है, क्योंकि वो दूसरे परिवार में जब जाएंगी तो वहां पे बहुएं होंगी, राइट, और वहां पे वो कोपासनर नहीं बनेंगी। तो अब हमारे परिवार में मेंबर्स कितने हो गए, 14 हो गए, कोपासनर कितने हो गए, तो कोपासनर की काउंटिंग कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4 and 5, सो नाउ वी हैव टोटल 5 कोपासनर्स। ठीक है, परिवार और बड़ा कर दें, चलिए आगे दिखाते हैं आपको। सन, सन, डॉटर, और इस डॉटर का भी लाते हैं सन और डॉटर, सन, डॉटर, शादी कराते हैं इनकी, सन की वाइफ आई, डॉटर का हस्बैंड आ गया, सन की वाइफ आई, डॉटर का हस्बैंड आ गया, ठीक है। अब मेंबर कितने हो गए, 14 मेंबर ऑलरेडी थे, कितने और बढ़ गए हैं, हालांकि अब अभी इधर इस वाले में देखिए, इस वाले परिवार में भी आगे बढ़ेगा तो वो सब भी मेंबर कहलाएंगे, लेकिन अब इस पूरी विंग में कोई भी कोपासनर नहीं आएगा। अब इसके नीचे कुछ भी आ जाए परिवार, कोपासनर नहीं आएगा, मेंबर होंगे वो भी, ठीक है। मान लेते हैं अभी इतनी फैमिली बड़ी है बस, ठीक है, अभी इनके बच्चे उच्चे नहीं हुए हैं, व्हाटएवर। तो अभी देखते हैं कि कोपास मेंबर्स कितने हैं, ये मेरे 8 मेंबर्स और बढ़ गए, 14 थे ऑलरेडी, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, तो मेरे मेंबर्स ऑफ एचयूएफ जो हैं वो 14 की जगह अब हो गए 20, टोटल 20 मेंबर हो गए। नाउ लेट्स सी कि हाउ मेनी कोपासनर्स आर देयर, मैं येलो से मार्क करूंगा, बेटे का बेटा कोपासनर है, बेटे की बेटी भी कोपासनर है, लेकिन बेटी का बेटा और बेटी अब कोपासनर नहीं है, यानी बेटी ये रही, इसकी इसका बेटा और ये बेटी ये कोपासनर नहीं है, तो कोपासनर हमारे 2 और बढ़े हैं, तो टोटल 5 थे अब हो गए 7। याद रहेगा आपको बेटा बेटी कोपासनर होते हैं, लेकिन अब आगे बेटा का बेटा बेटी कोपासनर होते हैं, फिर बेटे का वो जो आया बेटा उसके बेटा बेटी कोपासनर होंगे, यानी जो नीचे वाली पीढ़ी है वो हमेशा किससे जा रही है, बेटों से आगे बढ़ती जा रही है, ठीक है। ऑब्वियसली क्योंकि देखिए फिर समझने की कोशिश कीजिए, इसमें भी लॉजिक है कि ये इस बेटी का जो ये बेटा है पति है सॉरी इस बेटी का जो ये पति है ये दूसरे परिवार का मेंबर होगा, ठीक है, इसकी अपनी एचयूएफ होगी, उसमें ये जो बेटा है और ये जो बेटी है ये कोपासनर होंगे, ठीक है। आइए डेफिनेशन बढ़ाता हूं आपको, हिंदू कोपासनर, सम मेंबर्स ऑफ द एचयूएफ आर कॉल्ड कोपासनर, देखिए एचयूएफ के जितने मेंबर है सारे कोपासनर नहीं है, कुछ ही कोपासनर है, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड टू द हेड ऑफ द फैमिली, एचयूएफ मे कंटेन मेनी मेंबर्स, एचयूएफ में मेंबर्स बहुत सारे हो सकते हैं, बट मेंबर्स विद इन द 4 डिग्री इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द फैमिली करता आर कॉल्ड कोपासनर, सिर्फ 4 डिग्री तक ही कोपासनर कहलाएंगे। इस बात को मैं अभी बाद में समझाता हूं, ये 4 डिग्री वाली बात। इट मे बी नोटेड दैट ओनली द कोपासनर्स हैव राइट टू पार्टीशन, सिर्फ कोपासनर के पास पार्टीशन का अधिकार है, और बंटवारे में हिस्सा भी कोपासनर का ही होता है, और बराबर हिस्सा होता है,
यानी अगर मान लीजिए परिवार का इस समय बंटवारा किया जाए तो पता है कितने हिस्से बनेंगे, टोटल कितने हैं, सात को पास ना, सात बराबर हिस्सा बनेगा। ये नहीं कह सकते कि मिस्टर एक्स मिसेस एक्स ने, ये तो उन लोगों ने बनाई थी प्रॉपर्टी, भाई मिस्टर एक्स की ये सारी प्रॉपर्टी है, नहीं। अब अगर बंटवारा हुआ तो बराबर बंटवारा होगा सबका, ठीक है। अ डॉटर ऑफ को पार्टनर बाई बर्थ शैल बिकम अ को पार्टनर इन हर ओन राइट इन द सेम मैनर एज द सन। बेटियां जो हैं वो भी को पार्टनर बनेंगी। अदर फीमेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली फॉर एग्जाम्पल वाइफ और डॉटर इन लॉ, बीवियां बहुएं ऑफ अ को पार्टनर आर नॉट एलिजिबल फॉर सच को पार्टनरी राइट, ठीक है। तो ये बात तो मैंने आपको समझाई दी, अब ये चार डिग्री वाली बात क्या है इस बात को समझते हैं। देखिए ये पिताजी हैं, इनके ये रहे बेटे, इनका बेटा ये रहा, इनका बेटा ये है, देख के साइज भी समझ में आ जा रहा होगा, इनका बेटा ये है पिद्दी सा छोटंकू, ये सबसे बड़े हैं फैमिली में, ठीक है, परिवार के मुखिया। इनको क्या बोला जाता है, इन्हीं को बोला जाता है कर्ता। कर्ता का मतलब होता है हेड ऑफ द फैमिली। इनकम टैक्स में भी हम हेड ऑफ द फैमिली नहीं बोलते, हम वर्ड यूज करते हैं कर्ता। तो इस वर्ड को याद कर लीजिए, कर्ता। दिस इज द वर्ड विच इज यूज्ड इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही हम कर्ता ही बोलते हैं, हेड ऑफ द फैमिली को बोला जाता है कर्ता। ये जो HUF होती है उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है या अनलिमिटेड होती है, मतलब HUF में मान लीजिए टोटल प्रॉपर्टीज जो है HUF में वो 10 करोड़ रुपए की है, लेकिन HUF जो बिजनेस वगैरह कर रहा है उसमें घाटा हो जाता है कुछ, और पेबल हो जाता है HUF को, लाइबिलिटी पे करनी है टोटल 12 करोड़ रुपए की, तो भाई HUF की तो सारी प्रॉपर्टी बिक जाएगी 10 करोड़ रुपए की। अब 2 करोड़ रुपए का डेफिसिट हो गया, 2 करोड़ रुपए अब ये कौन बियर करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि HUF की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, यानी वो 2 करोड़ रुपए की भी भरपाई करनी पड़ेगी, लेकिन करेगा कौन, कर्ता। कर्ता की पर्सनल एसेट को बेचा जाएगा और 2 करोड़ की भरपाई की जाएगी। लेकिन मान लीजिए कर्ता के पास पर्सनल एसेट सिर्फ 1 करोड़ की है, तो 1 करोड़ की तो भरपाई हो गई, 10 करोड़ HUF से दे दिया गया, 1 करोड़ रुपए कर्ता से दे दिया गया, लेकिन अभी भी 1 करोड़ रुपए बच गया, क्योंकि टोटल लाइबिलिटी तो 12 करोड़ की क्रिएट हो गई थी ना HUF की। तो 1 करोड़ जो बच गया क्या वो बाकी मेंबर देंगे, आंसर इज नो। तो एक बात याद रखिए, HUF की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, बट ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द पर्सनल एसेट ऑफ कर्ता। HUF की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, पे करना पड़ेगा, लेकिन कर्ता के बाद पे नहीं करना पड़ेगा, कर्ता की जितनी पर्सनल एसेट है वहीं तक लिमिट लग जाएगी, राइट। लेकिन अगर कर्ता के पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो जितना लाइबिलिटी HUF की होगी सब पे किया जाएगा वहां से निकाल निकाल के, ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ HUF, बट लिमिट एक है टू द एक्सटेंट ऑफ पर्सनल एसेट ऑफ कर्ता। नो, चलिए इस परिवार की बात करते हैं, ये हेड ऑफ द फैमिली है, इनका बेटा ये है, ठीक है, हम इस बेटे की बात कर रहे हैं। पता है पिताजी के सामने ये बेटा आज तक सर उठा के बात नहीं किया है, इतनी तमीज से इतनी इज्जत से ये घर में रहता है, ठीक है। क्या ये बंटवारा डिमांड कर सकता है, हाँ, को पार्टनर है सर, बेटा अब दिखा रहे हैं को पार्टनर, इवन बेटी भी होती तो सर को पार्टनर थी, बंटवारा डिमांड किया जा सकता है, लेकिन बंटवारा तो छोड़िए, ये कभी सर उठा के बात तक नहीं किया, बंटवारा क्या मांगेगा। इनका बेटा ये, ठीक है, ये परिवार के मुखिया हैं भाई, कर्ता। अगर हम बात करें कि इसने कभी बात की क्या दादाजी से, तो इसने जब भी ये दादाजी सामने होते हैं ना तो इसकी जवान लड़खड़ाने लग जाती है, इसके वर्ड्स क्लियर सुनाई नहीं देते हैं, इतना घबराता है दादाजी के सामने। बंटवारे को तो गोली मारी है, बंटवारा कहां से बोलेगा ये। आइए बात करते हैं इसकी, ये इसका बेटा है, क्या ये बंटवारा डिमांड कर सकता है, हाँ भाई को पार्टनर में बंटवारा डिमांड कर सकता है, लेकिन ये अपने पिताजी की, इसके पिताजी कौन है, इसके पिताजी कौन है ये, इसके दादाजी कौन है ये, भाई इन लोगों का इसने रिस्पेक्ट देखा है घर में कि किस तरीके से ये परदादाजी की इज्जत की जाती है, ठीक है। तो ये भी कभी मुंह नहीं खोला है, इनफैक्ट इसके जो पर दादाजी हैं वो कहते हैं कि मैंने तो अपने पर पोते का कभी आवाज ही नहीं सुना, बेचारा कभी बोला ही नहीं है, ठीक है,
मुंह बंद करके रहता है जब परदादा जी सामने होते हैं तो। घर में अब इनका भी बेटा हुआ है, ये देखिए, ये जो छोटंकी अभी पैदा हुआ है पिद्दी, ये बोलेगा दादाजी को अपने, कौन से दादाजी को, ये पिताजी हुए, ये दादाजी, ये परदादा, ये सर दादा, इनको बोलता है सर दादाजी, आप सड़ चुके हैं पूरा, लेकिन फिर भी परिवार का बंटवारा नहीं कर रहे हैं, गजब का नाटक फैला रखे हैं, तुरंत का तुरंत बंटवारा चाहिए मुझे, क्या ये बंटवारा मांग सकता है, क्या ये कोपासनर है? तो देखिए लॉ कहता है सिर्फ 4 डिग्री तक कोपासनर है, ध्यान दीजिए, बट मेंबर विद इन द 4 डिग्रीज इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द फैमिली करता आर कॉल्ड कोपासनर, बस 4 पीढ़ी कोपासनर है, यही कोपासनर थे। पिद्दी अभी तुम शांत रहो बेटा, अभी तुम्हारे पिताजी नहीं बोल रहे हैं, तुम्हारे दादाजी नहीं बोल रहे हैं, पर दादाजी नहीं बोल रहे हैं, तुम ही बोलोगे, तो हिंदू लॉ कह रहा है अभी तुम शांति बनाए रखो, ठीक है, तो 4 डिग्री तक कोपासना, ये बात याद रखिएगा। लेकिन सच पूछिए तो क्या आपने 5 पीढ़ी देखी है किसी घर में, 5 पीढ़ी किसी घर में, अरे अलग अलग भी नहीं देखी मैंने, 5 पीढ़ी एक साथ जिंदा भी नहीं देखी मैंने, तो नहीं देखी भाई कि किसी के परिवार में 5 पीढ़ी जिंदा है एक साथ, आजकल तो नहीं दिखती, 3 पीढ़ी ही दिखती ही है, चौथी पीढ़ी भी अगर दिख जाए ना एक्सेप्शनल केस है वो, चौथी पीढ़ी भी एक्सेप्शनल केस है, 5 पीढ़ी तो नहीं दिखती भाई, ठीक है, इतना लोग जीते ही नहीं आज की तारीख में। तो ऐसे टेक्निकली अगर बात की जाए, ठीक है, लॉ के हिसाब से नहीं, अगर टेक्निकली मार्केट के हिसाब से बात की जाए, तो भाई जितने भी परिवार में लोग हैं, आप समझ लीजिए बेटा बेटी जितने भी परिवार के हैं सबको पास कर रहे हैं, क्योंकि 5वीं पीढ़ी तो होती ही नहीं है ना, ठीक है, एक साथ देखने को नहीं मिलते। अच्छा, अब इनकी अगर डेथ हो जाए, ये कर्ता की डेथ हो जाए, ये डेथ हो गया, तो अब कर्ता कौन बनेगा, ये बनेगा कर्ता, तो अब ये फैमिली ये है, ठीक है, क्या अब ये पिद्दी को उपासना हो गया, हाँ 4 डिग्री, अब इनकी डेथ हो गई ना, इनकी डेथ के बाद अब ये चारों के चारों को उपासना है, 4 डिग्री तक, 4 पीढ़ी तक को उपासना होते हैं, तो अब ये बंटवारा मांग सकता है, जैसे इनकी डेथ होगी तो अब ये बंटवारा मांग सकता है। अब ये अब कर्ता ऑफ द फैमिली इस समय कौन है, ये है कर्ता ऑफ द फैमिली, तो इंक्लूडिंग हिम 4 डिग्रीज इज टू बी टेकन, दैट मीन्स 4 पीढ़ी लेना है इंक्लूडिंग हिम। आई होप आपको क्लियर हो रही है सारी बातें। चलिए अब आगे समझते हैं ये बात, स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ, ये स्कूल का मतलब क्या है, थॉट्स ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू लॉ के बेसिकली हमारे देश में ना 2 थॉट्स चल रहे हैं, 2 तरीके का कानून चल रहा है हिंदू लॉ से रिलेटेड। स्कूल का मतलब ये कोई स्कूल नहीं है, ये थॉट्स है, ठीक है, और वो 2 थॉट्स क्या है, एक दयाभागा थॉट है, एक मितक्षारा थॉट है, दयाभागा स्कूल और मितक्षारा स्कूल बोलते हैं। अभी तक मैं आपसे जो भी बात कर रहा था वो मितक्षारा लॉ की बात कर रहा था, मैं दयाभागा की बात ही नहीं कर रहा था, क्योंकि पूरे देश में मितक्षारा ही चलता है, दयाभागा सिर्फ 2 स्टेट में चलता है, और वो 2 स्टेट कौन से हैं, वेस्ट बंगाल एंड असम, वेस्ट बंगाल और असम में चलता है दयाभागा, लेकिन बाकी पूरे देश में क्या चलता है, मितक्षारा, और मैं मितक्षारा की ही बात कर रहा था। मितक्षारा कानून क्या कहता है, ध्यान से सुन लीजिए, ये प्रेवलेंट है रेस्ट ऑफ इंडिया में अदर देन वेस्ट बंगाल एंड असम, द चिल्ड्रन एक्वायर द राइट टू द फैमिली प्रॉपर्टी बाय हिज बर्थ, जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके पास परिवार की प्रॉपर्टी में हिस्सा आ जाता है, वो हकदार हो जाता है प्रॉपर्टी, परिवार की प्रॉपर्टी में, यानी आज आप पैदा हुए, ठीक है, आज आप पैदा हुए, ठीक है, आपको देखने के लिए हॉस्पिटल में कौन कौन आए हुए हैं, आपके पिताजी भी खड़े हैं, दादाजी भी खड़े हैं, परदादाजी भी खड़े हैं, ठीक है, आप आज पैदा हुए, ठीक है, और जैसे ही पैदा हुए तुरंत आपने की 2 बार चिल्लाए, रोए, और उसके बाद पूछे बंटवारा हुआ है, तो आपके पिताजी भी ऐसे ऐसे मुड़ी हिलाते हैं, दादाजी भी ऐसे हिलाते हैं, परदादाजी भी ऐसे हिलाते हैं, आप कहते हैं बहुत हो गया नाटक, मैं घर नहीं जा रहा हूं, मैं सीधे कोर्ट चल रहा हूं, ठीक है, चलिए आप लोग भी तो आइए, सीधे आज ही आप पैदा हुए हो, क्या आप बंटवारा डिमांड कर सकते हो, आंसर इज यस, क्योंकि आप जिस दिन पैदा होते हो उसी दिन आपके पास प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी का हक आ जाता है, ये है हमारे देश का हिंदू लॉ, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं मितक्षारा, जो पूरे देश में प्रेवलेंट है, राइट, तो आपके पास उसी समय इमीडिएट पार्टीशन डिमांड करने का, हिस्सा लेने का प्रॉपर्टी में आपके पास हक आ जाता है, एंड नॉट बाई सक्सेशन, यहां सक्सेशन से नहीं होता कि भाई पिताजी जाएंगे तब बेटे के पास हक आएगा, तुरंत आप पैदा हुए उसी दिन आपके पास हक आ गया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट एल्डर्स आर लिविंग,
बड़े बुजुर्ग जिंदा हैं इस बात से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दयाभागा लॉ क्या है? दयाभागा लॉ थोड़ा सा विपरीत है, ये वेस्ट बंगाल और आसाम में सिर्फ चलता है। द चिल्ड्रेन डू नॉट एक्वायर एनी राइट और शेयर इन द फैमिली प्रॉपर्टी एज लॉन्ग एज हिज फादर इज अलाइव। अगर पिताजी जिंदा हैं तो प्रॉपर्टी में हिस्सा आपका नहीं बनता है। आइए इस एचयूएफ की बात करते हैं जो हमने ड्रॉ किया था। मान लीजिए ये प्रॉपर्टी है, ये इतने सारे लोग मेंबर हैं एचयूएफ के, और अगर मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ दयाभागा लॉ के हिसाब से, तो इस समय को पार्सनर कौन है? पिताजी जीवित हैं तो बेटे को पार्सनर नहीं हो सकते, सिर्फ एक को पार्सनर है मिस्टर एक्स। मैं पिंक से कर रहा हूं दयाभागा के हिसाब से, सिर्फ ये को पार्सनर है। समझ में आई बात? अच्छा, अब मिस्टर एक्स की डेथ हो जाती है तो को पार्सनर कौन है? अगर मिस्टर एक्स की डेथ हो गई, अब इनकी हम डेथ करा देते हैं, ये हट गया, और इन लोगों की हम करा देते हैं डेथ, ये खत्म ही हो गए, ठीक है। तो अब मैं कोपार्सनर मार्क कर देता हूं ब्लू कलर से, ठीक है। कोपार्सनर कौन कौन है? ए कोपार्सनर है, बी कोपार्सनर है, बस, ठीक है। इनके बच्चे तो वैसे भी कोपार्सनर नहीं होते, ये सब जो मैंने नीचे मार्क किया हुआ था ये लोग कोपार्सनर नहीं है। अब पहले मैंने बताया था कि ये सब भी कोपार्सनर नहीं, इनके पिताजी जीवित है ना, ए ये जीवित है, इसलिए ये सब कोपार्सनर नहीं है, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, मान लीजिए अब ए की भी डेथ करा देते हैं, इसकी भी डेथ हो जाती है, अब कोपार्सनर कौन कौन है? अब कोपार्सनर कौन कौन है? अब कोपार्सनर है ये सन, ये डॉटर, और ये जो डॉटर थी ये भी कोपार्सनर है, ये कोपार्सनर थी। पिताजी मर गए तो अब उनके बच्चे कोपार्सनर बन जाएंगे, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल बना के मैं जल्दी से आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कर दूं, क्योंकि इसमें एक बेटा एक बेटी थे, दो दो भाई मैंने बनाए नहीं, तो दो दो बेटे कराते हैं एक जन को, तो थोड़ी सी क्लैरिटी और आएगी। चलिए आइए देखिए, देखिए सन सन डॉटर, ठीक है। अब सन की वाइफ, सन की वाइफ डॉटर का हस्बैंड, ठीक है। अब इनके बच्चे पैदा कराते, अभी तीन लोग थे परिवार में, तो अभी कोपार्सनर कौन कौन थे? अभी सन सन और ये डॉटर, ये तीन कोपार्सनर थे, ठीक है। अब इनके बच्चे हम पैदा करा रहे हैं, नहीं हम नहीं कराएंगे, यही लोग करेंगे, हम कैसे करा देंगे? सन डॉटर सन डॉटर सन डॉटर, ठीक है। अब इनकी शादी हो गई, वाइफ हस्बैंड ठीक है। चल पहले मिताक्षरा के हिसाब से आप कोपार्सनर बताएंगे, मिताक्षरा के हिसाब से कोपार्सनर, येलो मार्किंग कर रहे हैं, मिताक्षरा के हिसाब से कोपार्सनर, इतने लोग जीवित हैं परिवार में। मिताक्षरा के हिसाब से ये सन कोपार्सनर है, ये सन कोपार्सनर है, ये डॉटर कोपार्सनर है, सन का सन कोपार्सनर है, ये डॉटर कोपार्सनर है, इस बेटे का बेटा ये कोपार्सनर है, ये बेटी कोपार्सनर है, बाकी बेटी की या बेटा बेटी कोपार्सनर नहीं है, इतने कोपार्सनर हैं। कितने कोपार्सनर हो गए? तीन और चार सात कोपार्सनर हैं, सात कोपार्सनर है एज पर, यहां कर देते हैं सेवन कोपार्सनर। ये कौन सा लॉ है? ये कौन सा लॉ है? मिताक्षरा लॉ के हिसाब से, मिताक्षरा। अब दूसरा हम ले लेते हैं दयाभागा लॉ, जो वेस्ट बंगाल और आसाम में चलता है, उसके हिसाब से कौन कौन यहां पे कोपार्सनर है। सिर्फ ये सन कोपार्सनर है, ये सन कोपार्सनर है, और ये डॉटर कोपार्सनर है, बस इनके बच्चे नहीं है। दे आर ओनली एंड ओनली थ्री कोपार्सनर, यहां से तीन कोपार्सनर है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, धीरे से इसकी सन की डेथ करा देते हैं, ठीक है। सन की डेथ कराइए,
ये इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो अब कोपासन कौन कौन है, ठीक है, अब कोपासन कौन कौन है, एक दूसरे कलर से मैं आपको बताता हूं अब कोपासन कौन कौन है, लेट्स टेक ब्लू कलर, अब कोपासन कौन है, ठीक है। इसके पिताजी की डेथ हो गई तो इसके बच्चे, ये कोपासनर है, ये कोपासनर है, ठीक है। इसमें अभी पिताजी की डेथ नहीं हुई है तो ये लोग नीचे वाले ये कोपासनर नहीं है दया भागा के हिसाब से, क्योंकि इसकी तो अभी डेथ नहीं ना हुई है पिताजी की, तो अभी ये कोपासनर है और यहाँ ये कोपासनर है। अच्छा, अगर ये वाली बेटी की अगर डेथ हो जाए तो कोई कोपासनर नया आएगा, नया नहीं आएगा भाई, ठीक है। जिसके पिताजी की डेथ हो गई उसके बच्चे कोपासना बन जाएंगे हम, ठीक है। लेकिन इसके बच्चे तो वैसे भी कोपासना नहीं बन सकते ना, बेटी के बेटा बेटी कोपासना नहीं बन सकते, तो अगर ये इसकी डेथ हो गई तो एक कोपासना बस खत्म हो जाएगा, कोई बढ़ेगा नहीं। यहां पे क्या हुआ, कोपासना बढ़ गए, तो अब हमारे पास चार कोपासना है आफ्टर एस डेथ ऑफ सन एस, ठीक है। हम कह सकते हैं दयाभागा लॉ में जो हमने ब्लू पट्टी लगाई, यहां पे चार कोपासनर हैं, और ये कब हुआ, ये हो रहा है आफ्टर डेथ ऑफ सन वन, पहले वाले बेटे के, इसको एस वन कह लो, इसको एस टू कह लो, ये सन वन है मान लेते हैं और ये सन टू है, ठीक है। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है एच यू एफ क्या होता है। तो दिस इज हाउ द एच यू एफ इज क्रिएटेड, और मैंने आपको बताया कि एच यू एफ क्रिएशन बस लॉफुली हम बनाते हैं ताकि बाद में कोई डिस्प्यूट ना हो, क्योंकि हिंदू लॉ तो कहता है परिवार बनाने की जो थोड़ी ना, परिवार तो खुद ही बन जाता है, राइट। आगे की क्लासेस में एच यू एफ की टैक्सेबिलिटीज वगैरह ये सब कुछ भी पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया कि एच यू एफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से क्रिएट हो जाती है भाई, पहले से प्रॉपर्टी मिली उससे क्रिएट हो गई, या फिर गिफ्ट के जरिए क्रिएट हो गई, ठीक है। तो आप अपना गिफ्ट के जरिए भी एच यू एफ को क्रिएट कर सकते हैं, आपने क्या किया अपनी पर्सनल एसेट को उठा के प्रॉपर्टी एच यू एफ की प्रॉपर्टी बना दी, मैंने खूब कमाया लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ प्रॉपर्टी मेरे नाम से रहे, कुछ मेरे परिवार के नाम से रहे, तो मैं अपनी प्रॉपर्टी को निकाल के एच यू एफ की प्रॉपर्टी बना सकता हूँ, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एच यू एफ, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे।